गाड़ी इतनी हिलती है, अब देख लो अब गाड़ी कैसे ऐसे 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 ऐसे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इसको चलाऊंगा ना ज्यादा देर तो मैं थक जाऊंगा, मतलब थका देने वाली गाड़ी फील होती है मेरे को। तो मेरे ख्याल से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आप देख के व्लॉग समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है और बहुत ही रगड़ होने वाला है। वो कैसे भाई, आज हम लेके आए हैं महिंद्रा थार। तो भाई ये है महिंद्रा थार, देखो इस गाड़ी को छपरी में समझना, क्यों? क्योंकि भाई ये है 4x4 टॉप मॉडल। टॉप मॉडल आप समझ रहे हो, 4x4 भाई आजकल क्या है, जब से 4x2 गाड़ी आई है ना, मैं कह रहा हूँ हर गली में हर मोहल्ले में दिख जाएगी और हर छपरी में दिख जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला 4x4। देखो जो मेन ऑफ रोड लवर है, जिसको चाहिए गाड़ी, सॉलिड गाड़ी और सॉलिड थार, भाई वो जाता है 4x4 के लिए। भाई आप 4x4 नहीं चला सकते, वो मजा नहीं ले सकते, फ़ायदा क्या? लेकिन वही 4x2 लॉन्च करने का पर्पस पता है क्या था? जो लोग इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे जैसे गरीब लोग, वो 4x2 ले ले अपना और उस पर अपना जो उनको फन करना है कर ले। तो आज हम आपके सामने लेके आए 4x4। भाई ये 1.5 लीटर नहीं, ये 2.2 लीटर इंजन के साथ में आती है और जो कि प्रोड्यूस करती है 130 BHP और 320 Nm का टॉर्क। भाई साहब बहुत बड़ी पावर है ये। और देखो इतनी पावर होने के बाद भी ये गाड़ी भागती नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी भागने के लिए बनी ही नहीं है भाई। ये गाड़ी बनी है रगड़नेस के लिए, अपने ऑफ रोड के लिए और भाई अपने रुतबे के लिए। जिस टाइम पे ये रोड पे चलती है ना, उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ चाहे उसके पास कोई भी गाड़ी है, बंदे के पास स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, अगले के पास कोई भी गाड़ी हो, एक बार इसको मुड़ के ज़रूर देता है भाई वो बंदा। मतलब अपनी जो पहली नज़र है ना, वो अपना एक्सप्रेशन एक बार देता ही है ऐसे, अरे भाई थार जा रही है, क्योंकि हर एक बंदे का ड्रीम है ये गाड़ी। तो इसलिए आज आपके सामने लेके आए महिंद्रा थार। दिल्ली में ये पड़ती है अप्रोक्सीमेटली 18.5 लाख रुपए की। तो चलो सबसे पहले हम फीचर के बारे में बात करते हैं कि इस थार में मिलता क्या है। सबसे पहले आपको ये भाई थार गाड़ी मिल जाती है हार्ड टॉप में, क्योंकि हमारी वाली जो है हार्ड टॉप है। और उसके साथ साथ में ही हम आगे से स्टार्ट करेंगे, तो आगे आप देख सकते हैं ये DRL मिल जाते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में DRL मिल जाते हैं। उसके साथ में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है, जिसका जो लाइट का थ्रो है ना वो डिसेंट है। और आपको नीचे फोग लैंप भी मिल जाते हैं, लेकिन फोग लैंप का ना ऐसा कुछ मेरे को इतना कोई बढ़िया थ्रो अलग से लगा नहीं, पर हाँ ठीक है दे रखे हैं, बढ़िया है। और ये आपको ऐसी कुछ देखने को ग्रिल मिल जाती है और ये बम्पर मिल जाता है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो इस गाड़ी की कमी है, देखो क्या है कि आजकल जो लोग ड्राइव करते हैं ना, आजकल थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि फ़ीचर भी होने चाहिए गाड़ी के अंदर, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। तो लोगों को जो इसमें मिसिंग लगता है वो है इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर और फ्रंट कैमरा, क्योंकि आगे से भाई इतनी बड़ी है ना, आप देखो बोनट देख रहे हो आप, अगर मैं यहाँ से लगाऊँ कितना बड़ा बोनट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इस गाड़ी को मैनेज करने के लिए। वहीं जब हम साइड में आते हैं तो एम हो की आपको बैजिंग मिल जाती है, साथ के साथ आपको एंटीना मिल जाता है। ठीक है भाई, इसका पैटर्न अलग है एंटीने का, ये लुक इसके हिसाब से बढ़िया लगता है। और साथ साथ में आपको बहुत बड़े बड़े दो ORVM मिल जाते हैं, जो कि अंदर से एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है बिल्कुल भी। और ये आपको ORVM मिल जाते हैं, ORVM के साथ में अब हम बात करते हैं, ये आपको ऐसे कुछ डोर मिल जाता है। डोर में आप देख रहे हो जैसे गेटों में कब्जे होते थे ना पहले, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ के साथ में अगर हम अंदर से भी आपको दिखाएं तो आप ये देखो, यहाँ पे आपको नीचे एक ये आप पता नहीं कपड़ा कहो या कुछ भी कह लो, एक ये बेल्ट मिल जाती है, ताकि आपको फुट रेस्ट मिल जाता है जिस पे आप चढ़ के आराम से इजी बैठ पाओ। उसके अलावा एक जो मेरे को सबसे बड़ी कमी मिलती है ना, वो यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल होता है ना उसकी है। वहीं आप स्कॉर्पियन में देखोगे ना तो आप यहाँ से पकड़ के इजीली चढ़ जाओ। लोग कई बार क्या होता है यहाँ से अपना आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें उस चीज़ की कमी है भाई, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ के साथ में आपको पूरी गाड़ी के अंदर कम से कम भी 1 लाख जगह थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है, हर जगह थार की बैजिंग है, आप यहाँ देख लो। उसके अलावा ORVM पे आप देख लो, साथ के साथ में आप आगे अगर इसका बम्पर देखोगे, बम्पर पे आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप साइड वाला जो फेंडर है इस पर आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो थार की बैजिंग की भाई कहीं कमी नहीं रखी इन्होंने। सबसे पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। उसके सामने जो इसकी साथ में जो इसकी स्टफनी है वो बाहर की तरफ ही मिलती है। अब हम जो उसका गेट है वो खोल के दिखाते हैं। भाई ऐसा कुछ फ़िलहाल फुल लोडेड है, क्योंकि लोड का मतलब क्या है, देखो इसके अंदर स्पेस ना बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम, मामूली सा, थोड़ी बोड़ी चीज़ें आप अपने रख सकते हो। ये जो ग्लास है ये ग्लास अलग से ओपन हो जाता है, इससे क्या है कि स्पेस बड़ा मिल जाता है। अगर पीछे से आप अपनी सीट फोल्ड कर दो ना
तो उस केस में क्या है कि आपको स्पेस सही देखने को मिल जाता है। टायर की जो प्रोफाइल आती है वो है 255/65/18, 18 इंची के टायर है भाई, 255/65/18 भाई टायर ना सही में यूज़ है, बहुत बड़े टायर है। और एक इसकी सबसे बड़ी कमी है गाड़ी की, जब ये गाड़ी चलती है और जैसे गड्ढे आते हैं ना तो जो हैंडल है वो एकदम से ऐसे झटके मारता है, तो वो चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। अब एक काम करते हैं, आपको पीछे का कंफर्ट दिखाते हैं। जो इस गाड़ी की सेल को कम करती है वो एक चीज़ सबसे बड़ी है इसकी, वो है ये सीट। भाई अंदर बैठने के लिए ना सीट को हल्का पीछे दबाओ और ये बटन आपको दबाना पड़ता है, और फिर सीट को आप आगे कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे एक स्टेप रखोगे, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप रखो, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, उसको पकड़ के फिर आप पीछे की तरफ जाते हो। अभी क्या है, अभी आप मेरे को देखो मैं कैसे बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ये जो इस साइड का एज है ना उस पर बैठा हूँ, जो ये वाला एज इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठने के बाद खाली एक बंदे की सीटिंग की जगह बचती है, यानी पीछे दो ही सीटर हैं, पर दो सीटर ना वैसा कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट के दो कारण हैं, पहला कारण है कि अंडर थाई सपोर्ट भी वैसा नहीं है गाड़ी के अंदर, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं टायर के ऊपर बैठा हूँ कि गड्ढे मेरे को इतने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे लगते हैं, तो बहुत वो भी एक मतलब अलग ही सिस्टम है। और दूसरा जैसे ब्रेकर वेकर आते हैं ना भाई, इधर लगता है सर उछल के। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये वाला जो व्यू है ना पूरा, ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। जो भाई ये वाला जो व्यू है ना, मतलब इन्होंने क्या काम किया थार में, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इतना पैसा भी लगा दिया और साफ साफ ये मतलब कोई प्रीमियमनेस नहीं है गाड़ी के अंदर, एक बंदा इतना पैसा खर्च कर रहा है। हाँ ठीक है भाई, एक वो चीज़ समझ में आई कि रगड़ है, पर इतनी भी रगड़ थोड़े यार कि पूरी गाड़ी को रगड़ी बना के रख दो और कुछ मतलब। अब पीछे पूरा खाली पड़ा है, ये देखो लोवा, ये लोवा दिख रहा है सारा, ये आप देख रहे हो, ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो कपलर फिटिंग है उस पर टेप लगा रखी है, मतलब जो हाई माउंट लैंप है उसका वो क्लियरली दिख रहा है कि एडिशनल फिटिंग की हुई है कोई, मेरे को मतलब वो फिट एंड फिनिश ना वो कुछ फील ही नहीं आई इसमें। भाई अब मैं आपको ना एक काम करता हूँ, जो NCS का म्यूज़िक है ना वो प्ले करता हूँ। देखो फिलहाल आप देखो यहाँ पे ना दो स्पीकर है, एक ये है और एक ये, यहाँ पे दो ट्यूटर की जगह दे रखी है। अगर आपको बताऊँ ना, जो म्यूजिक सिस्टम है ना, जो इस दो खाली दो स्पीकर है लेकिन आवाज़ इतनी प्यारी है, बढ़िया आवाज़ है, लेकिन मेन दिक्कत पता है क्या है, ये हेड के ऊपर लगे हुए हैं और सर के ऊपर लगे होने की वजह से सीधा ऐसे कानों पे आवाज़ आती है ना, वो इतना इरिटेटिंग है, मतलब आप इसको ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुन नहीं सकते भाई। हाँ मजबूरी है, गाड़ी तेज़ चलानी है, सुनना ही सुनना है, बात अलग है, लेकिन भाई इसको तेज़ नहीं सुना जाता क्योंकि ये यहाँ पे होने की वजह से ना, मेरे पास क्रेटा भी है, मैं क्रेटा ऑन करता हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो साउंड की क्वालिटी है ना भाई, जो हुंडई के स्पीकर है उस स्पीकर से, बोस की बात नहीं कर रहा हूँ, हुंडई के स्पीकर से बढ़िया क्वालिटी लगी मेरे को इनकी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो खाली दो ही तो स्पीकर है, अगर वहीं ये दरवाजों के अंदर दे देते ना भाई, क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती। तो भाई एक काम करते हैं, गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं। देखो सबसे मेन क्या है, वो इस गाड़ी की फील है जो आपको अभी गाड़ी चलाते हुए मिल रही है भाई, ये मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, इसका तो अलग ही मजा है। उसके साथ में अगली दोनों पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। गेट में जगह कम होने की वजह से आपको मिलती नहीं है, लेकिन एक मैं अंदर की बात बताता हूँ। देखो जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो ये वाला जो स्पेस है ना भाई, सही में ये इतना कम्फर्टेबल बना देता है मेरे ड्राइव को, क्योंकि आर्मरेस्ट इसके अंदर आता नहीं है, ये ही आर्मरेस्ट का काम करता है और बहुत बढ़िया कम्फर्ट मिलता है मेरे को ऐसे गाड़ी चलाते हुए। उसके अलावा ये इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है बेसिक सी, साथ में आपको ये आपके एसी वेंट आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 पूरी गाड़ी के अंदर 4 एसी वेंट है, पीछे एसी नहीं है। उसके अलावा भाई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, और ये क्या बोलते हैं मैनुअल एसी मिल जाता है आपको। भाई ये सारे आपके स्टीयरिंग में कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ट्रैक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना इसको म्यूट लगा सकते हो, SRC का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के मिल जाते हैं, वॉइस कमांड मिल जाता है, साथ के साथ में ऐसा आपको बेसिक सा MID मिल जाता है। MID के साथ में यहाँ पे आपको साइड में कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपका ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, ये ऊपर नीचे MID में ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पे ट्रिप देखने का है, उसके साथ में आपको यहाँ पे ये सारी जो सेटिंग है ना उसको चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं,
फिलहाल गाड़ी 13.5 का एवरेज दे रही है सिटी के अंदर, डीजल ऑटो मैनुअल 4x4 भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 13.5 का एवरेज दे रही है। और सीरियसली जिस तरीके से मैं इसको रख रहा हूँ, चला रहा हूँ ना भाई, डिजर्व करती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट डिजर्व करती है कि 13.5 का एवरेज दे रही है इस हिसाब से। और बाकी सबसे मेन तो गाड़ी के अंदर है ही क्या, वो है इस गाड़ी की फील। पर पर्सनली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक देखो, मैं जो मैं गाड़ी के अंदर ढूंढता हूँ, एक तो ये स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसको स्मूथ ड्राइविंग करने की आदत है भाई उसके लिए तो ये बनी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग टाइट होने के साथ साथ में अगला क्या है कि भाई जो ये गाड़ी है ना, अभी जैसे हम थोड़े भी गड्ढे आएंगे, देखो ये आए तो इसके साथ में गाड़ी का बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, गाड़ी ना बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलती है, तो मतलब बहुत डिस्कम्फर्ट फील कराती है। हाँ ऑफ रोड के लिए बनी है, लेकिन जब ऑफ रोड पैच पे चलती है ना भाई, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है, हिलती है। बस मेरे को जो इसको एक, अगर ऑफ रोड का बेनिफिट मैं बताऊँ, ऑफ रोड एग्जैक्टली होता क्या है, एक तो होता है कि कहीं आप फंस गए भाई, इंडिया में तो सब जगह इस टाइम ऑन रोड ही हो रखा, ऑफ रोड तो कहीं नहीं है, कहीं फंस गए रेयर केस लाइफ में, एक बार वंस इन लाइफ ऐसे कह लो, वहाँ ये काम आ जाएगी, या फिर हर जगह आप जबरदस्ती फंस रहे हो तो आपका ये काम करेगा, वरना तो भाई और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका 4x4 मिल जाता है, फिलहाल मैंने गाड़ी 4x2 और 2 हाई में लगाई हुई है। और एक सस्पेंशन की मैं बात कर लूँ, सस्पेंशन ठीक है, डिसेंट है, पर मेन पता है क्या है, गाड़ी का साइज जितना बड़ा है ना, उसकी वजह से मतलब गाड़ी इतनी बॉडी रोल होता है, गाड़ी इतनी हिलती है। अब देख लो, अब गाड़ी कैसे ऐसे 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 ऐसे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो ऐसे ऐसे हिल रही है ना गाड़ी, मतलब ये सबसे बड़ी बात है, इससे मतलब बंदे को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, मेरे जैसे को तो होता ही है भाई, हालांकि मैं रगड़ गाड़ी भी चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इसको चलाऊंगा ना ज़्यादा देर तो मैं थक जाऊंगा, मतलब थका देने वाली गाड़ी फील होती है मेरे को। तो मेरे ख्याल से यार सारा कुछ मैंने कवर कर ही लिया है। और हाँ मेन भाई, आप डोर में देख सकते हो क्या स्पेस आपको मिल जाता है, साथ के साथ में सबसे बड़ा स्पेस है इस गाड़ी का, ये मतलब क्या क्या रखेगा बंदा, पेपर अबे बटवा भी ढंग से नहीं आएगा इस गाड़ी में। बाकी यहाँ पे अपना फ़ोन वोन रख सकते हो, रखोगे तो नीचे गिर जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ में। बाय बाय।